पॉलिटी के विच आर्टिकल एंड अमेंडमेंट चेंजेस द राइट टू वोट फ्रॉम ट्वेंटी ईयर पहले राइट टू वोट ट्वेंटी वन ईयर था बाद में ये अट्ठारह साल हो गया ये जो राइट टू वोट है दिस इज एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू यूपीएससी राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया है और ये जो एज चेंज हुआ था 21 टू 18 ये था सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है द सेम लॉ शेल अप्लाई टू ऑल

क्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में equal opportunity होनी चाहिए, ये गारंटेड है 16 में. अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेसन हो रहा हैेंटल राइट अंडर आर्टिकल थर्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फंडामेंटल राइट का वॉयलेन तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट लीगल इक्वालिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है लीगल इक्वालिटी का मतलब है देर शुड बी इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल इन दिस इज लीगल इक्वालिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है नो पर्सन नो पर्सन आर्टिकल है नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस ये किस आर्टिकल में है आंसर एक बार गलती हुई तो एक बार सजा मिलेगी एक से बारा नहीं दिस इज कॉल्डी राइट टू प्राइमरी एजुकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जहां भी एक्स्ट्रा लेटर दिखता है ना ए लाइक देट मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है तो ये किस अमेंडमेंट में राइट टू प्राइमरी एजुकेशन था ट्वेंटी डबल जे पार्टी का भी आर्टिकल बताइए अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जो सिटीजन है इंडियन सिटीजन है कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द बाय द लॉ तो अगर राइट टू लाइफ उसका लाइक उसको सेंटेंस दिया जा रहा है डेथ पेनल्टी है तो वो पॉसिबल है बट वो पॉसिबल होगा जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ मतलब लॉ के थ्रू ही वो पॉसिबल है दिस इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ डिप्राइव किया जा तक जा सकता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसका मतलब होता है कि डेट में जाके वो नियम चेंज करना पासिंग क्रिमिनल लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो उसको बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तो ये क्विक फैक्ट है पॉलिटी के ट्वेंटी जो है राइट टू वो ट्वेंटी हुआ

इंक्रीज किया नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में उनका नंबर बढ़ा हमने देखा था ना एंट्री मिल गई थी 1861 में अब इनके नंबर बढ़ रहे बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी गवर्नमेंट ब्रिटिश का रहेगा बट नॉन दिस एडिशनल जो है ना ये मेंबर बढ़ा दिए नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल एडिशनल मेंबर बढ़ा दिए सेकेंड अब मेंबर्स बढ़ाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो उनके फंक्शंस भी बढ़ाने पड़ेंगे तो इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट आ गया और अब सवाल भी पूछे जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव को तो बजट डिस्कस हो सकता है और सवाल भी अब पूछ सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वाइस रॉय करेंगे रिकमेंडेशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गवर्नर है प्रोविंशियल को हम बोल सकते हैं राज्य स्तर और ये केंद्र स्तर तो राज्य स्तर पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे नॉमिनेट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनसिपैलिटी यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार चैम्बर तो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा में भी अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं ना तो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस था वो यहां से स्टार्ट हो गया सेंटर में वाइस रॉय

The word election was, however, not used in the act. Process was described as nomination made on the recommendation of certain body. तो see, as such election शब्द use नहीं किया है, but kind of election का यहाँ पे concept start हो गया nomination हो रहा है यहाँ पे. तो तीन मुख्य बातें क्या हैं Indian Council Act 1892 की. Legislative Council में numbers बढ़ाए, additional members हुए. Legislative Council को अब ज़्यादा हक्कतिया budget discuss करोगे, questions पूछ सकोगे. लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उसमें कुछ नॉमिनेशन का भी मुद्दा यहाँ पे आया और नॉमिनेशन का जो था तो मतलब एक इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया वर्ड यूज नहीं हुआ बट इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो ये है एटीन अब अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे नाइनटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस मतलब गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट इसमें बहुत सारी गैसेस है इन गैसेस की स्पेशलिटी ये होती है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको आने देती है बट आउट को स्टॉप कर देती है तो सन से हीट तो आ रहा है बट हीट वापस एस्केप नहीं हो पा रहा है सो इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज ने उसको स्टोर कर लिया इससे क्या होता है वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है इन अ वे दिस इज गुड बिकॉज एटमोसफेयर एक सर्टन डिग्री वार्म है तभी तो हमारा सर्वाइवल हो रहा है बट अगर वार्म बहुत ज्यादा बढ़ती है देन इट इज अ ट्रबल तो ये एब्जॉर्ब करती है जो एटमोसफियर है ये एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन विद इन थर्मल इनफ्रार्ड रेंज तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे ये सन है सन से आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना अर्थ की सरफेस से टकराई लॉन्ग वेव रेडिएशन बनी तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए बट जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है स्ट्राइक के बाद वापस जो एस्केप होना चाहती है ग्रीन हाउस गैस उसको स्टॉप कर देती है तो इससे होता है हीटिंग ऑफ एटमोसफियर ओके अब ये ग्रीन हाउस गैसेस के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जैसे डीफॉरेस्टेशन से सी एफ सी से एटमोसफियर तो एक्चुअली इन टोटल तो न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है टोटल इनकमिंग टोटल आउट गोइंग बट फॉर सम टाइम फॉर सम टाइम इससे बफर बनता है बिकॉज ऑफ दिस एटमोसफियर और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन डिग्री तक मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ दिस दिस ग्रीन हाउस गैसेस अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस देखे ना तो प्राइमरली ये सारी है ट्वेंटी परसेंट ये मोर और लेस है एक्यूरेट नंबर नहीं होते बट मोर और लेस है ट्वेंटी परसेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ रहा है मिथेन से मिथेन कहाँ मिलती है पैडी फील्ड में वेटलैंड में बर्निंग ऑफ वुड लैंडफिल्स वाटर वॉटर लैंड इससे एमसीक्यू बन सकता है तो मिथेन यहाँ यहाँ मिलती है सिक्सटी परसेंट जो है मेजर कल्प्रेट है सी टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफोरेस्टेशन के कारण पंद्रह प्रतिशत करीब ग्रीन हाउस गैस आ रहा है सी एफ सी से सी एफ सी बिना ज्यादा एब्जॉर्बेंट है इसकी क्वांटिटी कम है बट कम क्वांटिटी में ही बहुत ग्रीन हाउस गैस कर देती है एब्जॉर्बेंट इसका ज्यादा है हीट एब्जॉर्बेंट ये रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग एरोजॉल फोम पैकेजिंग इन सब में सी है फिर एनओ आती है कोल बायोमास फर्टिलाइजर इन सब से एनओ टू उस ग्रीन हाउस बड़ा दिस ग्रीन हाउस गैस CO2। तो दैट इज दाई हम कार्बन एमिशन वगैरह कम करने की बात करते हैं इंडिया कार्बन न्यूट्रल होने वाला है किस साल में इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा टारगेट क्या है आंसर अब लास्ट क्लास में हमने मेंटल और इसके बारे में पढ़ा था कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्यूरी एटसेट्रा इसको अपन थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे इसको मैं और सिस्टमेटिकली पूरा ही पढ़ा दूंगा जियोमार्फोलॉजी देखो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हैं हमारी जो अर्थ है ना वो ऐसी लेयर्स में है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं ऐसी ऐसी कॉन्सेंट्रेट लेयर्स है जैसे अन्यन होता है ना अन्यन की जो लेयर्स होती है वैसे हमारी अर्थ की लेयर्स हैं सबसे अंदर है ये इनर कोर अगर यहाँ से शुरुआत करें यहाँ हम रहते हैं सबसे ऊपर की जो लेयर है ये क्रस्ट है क्रस्ट के बाद जो लेयर आती है ये मेंटल है फिर कोर आती है अब क्रस्ट मेंटल कोर को भी अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आउटर मेंटल इनर मेंटल आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो इनर कोर है से वो 1300 किलोमीटर की है फिर तो 2250 किलोमीटर आउटर कोर है तो मतलब ऐसा लेयर की तरह बना हुआ है अर्थ का जो इनसाइड है ना ये एक लेयर की तरह बना है तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कोर मेंटल क्रस्ट जैसे कि ये है इसका एक और एन में बहुत अच्छा डायग्राम है उसको कल बताता हूँ मैं कि पी वेव और एस वेव से अपन कैसे फाइंड करते हैं सेसमोग्राफी से कि कैसे जो अर्थ का है वो किस तरीके से लेयर्स बनी हुई है जैसे ये सॉलिड इनर कोर है फिर सेसमिक वेव्स का जो ट्रैवल होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं जैसे प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स होती है ना क्या वो ट्रैवल करती है लिक्विड पे या ओनली सॉलिड पे उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सा पी वेव शेडो है एस वेव शेडो है और अर्थ का इंटीरियर कैसा है प्राइमरली आज अपन बिस्ट ये जानते हैं वॉट इज क्रस्ट वॉट इज कोर एंड वॉट इज दिस मेंटल तो इस तरीके से अर्थ का इंटीरियर है दिस इज अर्थ इंटीरियर ओके अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर अपन देखें तो ये जैसे है ना बीच बीच में डिसकंटीन्यूटी भी है जैसे अपन इनर कोर देखते हैं इनर कोर से आउटर कोर जा रहे हैं तो लेहमन डिस्कंटीन्यूटी आ गई बीच में लेयर का डेंसिटी चेंज हुआ फिर ये कोर मेंटल बाउंड्री आएगी फिर लोअर मेंटल आएगी फिर ऊपर का जो क्रस्ट है ना इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर होता है एस्थेनोस्फेयर की स्पेशलिटी ये होती है कि पार्शली मोल्टन होती है पार्शली मोल्टन होती है तो डिफॉर्म होती है प्लास्टिक टाइप होती है अंडर प्रेशर तो ये एस्थेनोस्फेयर है फिर लिथोस्फेयर है ये ऊपर का एक पतला सा लेयर है रिजिड क्रस्ट एंड अपर मेंटल तो दिस इज क्रस्ट क्रस्ट करीब बहुत थिन लेयर है क्रस्ट जो है ना बहुत थिन लेयर है फिर मेंटल फिर इसके बाद कोर फिर इधर ओशन और इधर कॉन्टिनेंट आ जाते हैं एक मोहरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी है इसका भी एक सारी जो लेयर्स है ना वो मैं कल बताता हूँ कि इसमें कौन सी कंटिन्यूटी है लेमन डिस्कंटिन्यूटी गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मोहरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी ओके सो ये प्राइमरली है अर्थ का इंटीरियर और दिस इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे अपन पूरा जियोमोर्फोलॉजी पाँच छह क्लासेस में पूरा देख लेंगे दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ओके अब इसी में जैसे जियोमार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ना तो प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब इंटीरियर हो गया आउटर जो होता है ना वहाँ पे भी शेप्स चेंज होते रहते हैं जैसे अर्थ में जैसे अर्थ में प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है प्लेट है ये हिट हुआ यूरेशियन प्लेट से और इस टाइप से ये हिमालयाज बने दीज आर हिमालय हिमालज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है करेवा फॉर्मेशन करेवा फॉर्मेशन ये क्या होता है ये कश्मीरी डायलेक्ट है करेवा का मतलब होता है एलिवेटेड टेबल लैंड एलिवेटेड टेबल लैंड यह गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में यूज किया था गॉडविन ऑस्टिन के नाम से एक पीक भी है जम्मू कश्मीर तरफ तो इस तरीके से इसको पहले यूज किया बेसिकली एक बहुत फाइन सेडिमेंट लेयर है यह सॉइल का वुदर बोलते हैं इसे करेवा में कश्मीरी लैंग्वेज में तो ये करेवा होता है एलिवेटेड टेबल लैंड इसका मीनिंग है और दिस इज काइंड ऑफ वेरी फर्टाइल सॉइल करेवा जो होता है ये थिक डिपॉजिट होता है ग्लेशियल क्ले का अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोराइन ये एक अनकन्सोलिडेटेड लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट होता है देखो यहाँ शब्दों के मीनिंग देखना चाहिए जोग्रोफी में ग्लेशियल क्ले एक्चुअली यहाँ ग्लेशियर्स होते हैं ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो वो पीछे जैसे जो छोड़ के जा रहे हैं वो से मोराइन्स बन जाते हैं डिपॉजिट्स बन जाते हैं तो यहाँ जो है ना वो ग्लेशियर टोपोग्राफी से बना है ग्लेशियर टोपोग्राफी कश्मीर तरफ ग्लेशियर्स मूव हुए और उसके कारण ये लैंडफॉर्म करेवा लैंडफॉर्म बना हुआ पे तो ये ग्लेशियल क्ले से है एम्बेडेड विद मोराइन एसोसिएटेड विद लैक बिकॉज लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट है पहले लेक थी वो चली गई तो ये लेक से ऐसे डिपोजिट वहाँ बने तो ये कश्मीर वैली में बनते हैं कश्मीर वैली किसके बीच में है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पहले अपलिफ्टमेंट हुआ था रिवर थी रिवर स्टॉप हो गई तो एक लेक बन गई लेक में फिर डिपॉजिट्स होने लग गए तो एक लार्ज लकुस्ट्राइन प्लेन बना बाद में लेक का पानी चला जाएगा और ये डिपॉजिट्स वहां पे रिमेनिंग रहेंगे अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट तो यही ग्रेवल मड वगैरह करेवा फॉर्मेशन बनाता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है बिकॉज ये लकुस्ट्राइन डिपॉजिट है तो ये बड़े फर्टाइल है सैंड क्ले स्लिट ये सब है यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है टेल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज में ये बड़े फेमस है बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ जाफरान होता है जाफरान एक लोकल वेराइटी है सेफरॉन का कश्मीर वैली ये बहुत फेमस है इसके अलावा आलमंड वॉलट एप्पल ऑर्चर्ड्स ये सारी चीजें यहाँ होती है तो वाटर करेवाज और करेवास कहाँ पर है यहाँ करेवाज है धीर ओके कश्मीर वैली देन एक और चीज अभी काफी न्यूज में है वो है हॉलमार्क हॉलमार्क और उसमें ब्यूरो स्टैंडर्ड्स मार्क हॉलमार्क क्या होता है अभी मैंडेटरी कर दिया गया है जितने भी गोल्ड की ज्वेलरी है वहां पर इस तरीके से एक स्टैंडर्ड मार्क रहना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का तो जैसे ये एक सिक्स डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है विच विल बी यूनिक फॉर ईच ज्वेलरी आर्टिकल ऐसे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है स्टैंप लग जाता है तो एक ऑथेंटिसिटी आ जाती प्योरिटी ऑफ गोल्ड बता रहा है और ये बी आई एस मार्क बता रहा है तो जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस तरीके का सर्टिफिकेट वहाँ पे स्टैम्प होना चाहिए ये बी आई एस कहलाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क प्योरिटी ऑफ गोल्ड जैसे ट्वेंटी टू कैरेट है तो ये होगा सिक्स डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जो हर ज्वेलरी में यूनिक होगा तो हॉलमार्क हॉलमार्क मेक्स इट गोल्ड वेरिफिकेशन अभी इकोनॉमी में एक टर्म काफी न्यूज में चल रहा है वो है करंट अकाउंट करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है देखो हम ट्रेड कर रहे हैं वर्ल्ड से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसे देने पड़ रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उधर से पैसे अर्न कर रहे हैं ठीक है तो ये इसका पूरा जो लेखा जोखा है ना दैट इज समथिंग लाइक करंट अकाउंट अ नेशंस करंट अकाउंट मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रीज ट्रांजेक्शन विद अदर नेशन ट्रांजेक्शन विद अदर नेशन और इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेट अर्निंग ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नेट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि रेमिटेंस वगैरह भी हो गया तो करंट अकाउंट है और इसी का डेफिसिट हो रहा है मतलब एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है तो पैसे बच नहीं रहे अपने पास तो करंट अकाउंट जो है वो कंट्री का ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को एक रजिस्टर करता है मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रीज ट्रांजेक्शन With अदर नेशन जैसे हम बोलते हैं ना चाइना के साथ डेफिसिट में रहते हैं अपन बिकॉज एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट अर्निंग जो इन्वेस्टमेंट से हुई ट्रांसफर ऑफ पेमेंट से हुआ या रेमिटेंस इन सब का टोटेलिटी ये जो अकाउंट है गोज इन टू डेफिसिट वेन मनी सेंड आउटवर्ड एक्सीड कमिंग इनवर्ड ज्यादा पैसे खर्च हो गए कम पैसे कमाए तो ये डेफिसिट में चला जाता है अब कैलकुलेशन कैसे होता है ये परसेंटेज ऑफ जी डी पी में कैलकुलेट होता है करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी डी पी में एट परसेंट पे फाइव परसेंट पे लाइक दै ट्रेड का जो गैप होता है वो क्या होता है एक्सपोर्ट कितना किया माइनस इम्पोर्ट कितना किया और फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड का गैप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दिस ट्रेड का गैप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट नेट करंट ट्रांसफर कितना ट्रांसफर हुआ और इनकम जिसमें रेमिटेंस वगैरह सब आ जाएगा उसका टोटल है. तो ट्रेड गैप नेट करेंट ट्रांसफर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिस मेक्स करंट अकाउंट तो दिस इज करंट अकाउंट ओके अब सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज में है सेमीकंडक्टर एक्चुअली क्या होता है मेटल्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स होते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं इनके बीच जो होते हैं वो होते हैं सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स में से अपन पढ़ते हैं पी टाइप एन टाइप सेमी होते हैं चार्ज इन पे लगाया जाता है तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अक्वायर भी कर लेते हैं ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना ये इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे देखो ये आईसीज हुए रजिस्टर हुआ ये कैपेसिटर है ये डायोड्स है ये ट्रांजिस्टर है वॉट आर दीज दीज आर सेमी कंडक्टर डिवाइसिस तो सेमी कंडक्टर डिवाइस में जो चिप्स हैं जैसे अभी अपन देखते हैं जैसे स्नैपड्रैगन एट जेन वन आया इससे पहले स्नैपड्रैगन ट्रिपल एट चल रहा है एप्पल का एम वन प्रोसेसर है इंटेल के प्रोसेसर हैं ये सब काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस का शॉर्टेज हो रहा है बहुत ये जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर जो डिवाइस हैं ये माइक्रोचिप्स हैं इंटीग्रेटेड आईसीज में होते हैं ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं चाहे वो लाइक like, इलेक्ट्रॉनिक्स का हर जगह रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर हुआ डिफेंस हुआ ऑटोमोबाइल हुआ कंप्यूटर्स हुआ एवरीवेयर सेमी कंडक्टर है प्रॉपर्टीज दैट आर समवेयर बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर सो दैट इज वाई दिस मेक्स इट दैम दिस मेक्स दैम वेरी यूनिक यूजली ये सिलिकॉन के बनते हैं पावर वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस कार लैपटॉप स्मार्टफोन एवरीवेयर सेमीकंडक्टर हर जगह टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जिस तरीके से जैसे अभी नया अभी सैमसंग का आई वॉज लुकिंग एट वन न्यूज थ्री नैनोमीटर प्रोसेस से वो अब नेक्स्ट चिप बनाएगा तो जो चिप्स है ना वो छोटे होते जा रहे हैं और उनकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ती जा रही है और उनमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी डबल होते जा रहे हैं बहुत स्पीड से तो इससे हमारी कंप्यूटर प्रोग्रेस बढ़ रही है अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे पूरा वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कुछ ही एरिया में लोकेटेड है जैसे ताइवान है टीएसएमसी टीएसएमसी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ये लार्जेस्ट चिप मेकर है वॉलकॉम एनविडिया एप्पल वगैरह टीएसएमसी उनको सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर बिजनेस जो होता है ना इसमें वेस्टेज भी बहुत होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का भी रिक्वायरमेंट होता है वाटर का भी होता है बिकॉज दिस इज अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस चिप डिजाइन करना अब इसका एक्सपर्टीज कंट्रीज के पास है नहीं ताइवान में चाइना के साथ इशू हो रहा है लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आ रहे हैं इनमें पैलेडियम और न्यून गैस की भी जरूरत होती है न्यून से यूक्रेन में है पैलेडियम रशिया में तो बिकॉज ऑफ दिस पूरे वर्ल्ड में पिछले एक दो साल से सेमी का ह्यूज शॉर्टेज चल रहा है ओके यूक्रेन क्राइसिस से ही एक बात आती है वो है टी की इंडियन टी इज अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड इन टू स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल इंडिकेशन जो दार्जिलिंग टी है ना इसको जीआई टैग मिला हुआ है तो इंडियन टी है ये बहुत फेमस है हेवी इन्वेस्टमेंट टी प्रोसेसिंग यूनिट्स में होता है ताकि इनोवेशन हो और स्ट्रैटेजिक मार्केट एक्सपेंशन हो ये सब चीजें हम करते हैं टी को सेल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दिस इज वन बिग इकोनमी तो दिस इज टी हमें जोग्राफिकली ये पता होना चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं टी के टी को जो सूटेबल है कल्टिवेशन में जैसे टी जो होती है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को प्रेफर करती है डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए वार्म मॉइस्ट प्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री रेनफॉल से 1500 मीटर है लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो टी ग्रोइंग जो नेशन हैं वो एरिया है इंडिया में एक तो नॉर्थ ईस्ट है असम की टी दूसरा बंगाल है दार्जिलिंग की टी यहाँ दुआर रीजन कहलाता है दोआर दुआर द्वार जिसे द्वार हिंदी वर्ड से इसका ओरिजिन है द्वार दिस माउंटेन पास और इसके बाद भी हम एक्सपोर्ट करते हैं अब प्रॉब्लम यह है कि टी एक्सपोर्ट यूक्रेन रशिया में भी बहुत होता है यहाँ चैलेंजेस आ गए वॉर के कारण तो हमारा टी एक्सपोर्ट भी इस एरिया में इम्पैक्ट हो रहा है तो दिस इज टी प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशन अब हिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मराठा को डिफीट किया मुगल्स को डिफीट किया बंगाल को डिफीट किया तो एक पॉलिसी चल रही थी रिंग फेंस पॉलिसी डॉक्ट्राइन था जिसे वॉरन हेस्टिंग ने लेके आए थे डिफेंडिंग द नेबर्स फ्रंटियर इन ऑर्डर टू सेव गार्ड देअर ओन टेरिटरी मतलब ये जो है नेबर्स है उसको भी बचाओ ताकि बफर स्टेट की तरह वो काम करे तो ये ईस्ट इंडिया की जो पॉलिसी थी मराठा मैसूर किंगडम में वो यहाँ पे वर्क किया अब ग्रेजुअली कंपनी क्या करती है पहले स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करती है फिर धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है और फिर पूरा कंट्री इंडिया को कंपनी इंडिया को रूल करने लगती है तो रिंग फेंस के बाद आती है फिर सब्सिडरी अलायंस ट्रीटिंग सब्सिडरी अलायंस जो थी ये लॉर्ड वेलेसली के टाइम से आई बट इसका जो रूट है ना वो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स के टाइम से ही आ गया था लॉर्ड वेलेसली ब्रिटिशर्स ने इसको ज़्यादा रिफाइन किया और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया इंडियन रूलर्स जो सब्सिडरी अलाइंस में आते थे उनको अपनी आर्म फोर्सेस डिसॉल्व करना पड़ता था और वो ब्रिटिश फोर्सेस को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करते थे इसके लिए ब्रिटिश आर्मी को मेंटेनेंस भी देना पड़ता था तो मेंटेनेंस भी ब्रिटिश आर्मी को देना पड़ेगा और जो खुद की इस है उसको डिजोल्व करना पड़ेगा लॉर्ड वेलेसली और गवर्नर डुप्लेक्स फ्रेंच अब इससे क्या होता है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं ब्रिटिशर्स पे इंडियन स्टेट को ब्रिटिशर्स अब प्रोटेक्ट करेंगे फॉरन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट से मतलब अपनी सोवरेनिटी सुजरेनिटी सब डिसॉल्व हो गया इन्होंने ब्रिटिशर्स को हैंडओवर कर दिया अब इसके बदले ब्रिटिशर्स ने बोला नॉन इंटरफेरेंस होगा इंटरनल अफेयर्स में इंडियन स्टेट्स को वो टच नहीं करेंगे इंडियन स्टेट्स किसी दूसरी अलायंस में नहीं आ सकते हैं फॉरेन पावर केवल ब्रिटिश ही फॉरेन पावर होगा और कोई दूसरा नहीं होगा अदर फॉरेन नेशनल्स भी वहां पे एम्प्लॉय नहीं होंगे अदर देन इंग्लिशमैन अगर इफ़ हीइंग एनी ऑन द साइनिंग ऑफ द अलायस तो ये टर्मिनेट हो जाएगी फ्रॉम इस सर्विस सो द आइडिया इज कि जो फ्रेंच है फ्रेंच का इन्फ्लुंस भी बढ़ रहा था और ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों कॉम्पिटिटर है तो ये फ्रेंच को दूर रखना चाहते थे इंडियन रूलर्स से ये किसी पॉलिटिकल कनेक्शन में भी नहीं आ सकते हैं किसी दूसरे इंडियन स्टेट बिना ब्रिटिश अप्रूवल के तो द पॉइंट इज जितना भी फॉरन अफेयर है मिलिट्री अफेयर है वो लॉस्ड हो गया वो अब ब्रिटिश ने सब अपने हाथ में ले लिया इंडियन स्टेट्स के राजा महाराजा केवल नाम मात्र के ना राजा महाराजा रह गए उनके पास ना तो फॉरेन अफेयर्स में कोई हक था ना मिलिट्री अफेयर्स में तो ऑल देयर इंडिपेंडेंस वो लॉस कर अफेयर और, और ब्रिटिश रेसिडेंट भी उन्हें इंडियन कोर्ट में रखना पड़ता था तो इससे क्या हुआ इंडियन रूलर्स ने डिसबैंड कर दिया अपनी आर्मी अब जो फौज में काम करते थे उनकी तो नौकरी चली गई मैनी इंडियन स्टेट्स लॉस देयर इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश पे टोटली डिपेंडेंट हो गए जो निजाम ऑफ हैदराबाद है सब्सिडरी अलाइंस 1798 में पहला एक्सेप्ट किया था लॉर्ड क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी सिस्टम ऊद और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुआ था जब ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था ऊद टेरिटरी फ्रॉम एनिमीज लाइक मराठा हम आपको डिफेंड करेंगे तो द पॉइंट इज इस, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली इंडियन जो राजा महाराजा थे इन सबको साइडलाइन करना चालू कर दिया सारा रियल पावर अपने पास में ले लिया तो इट इज स्टार्टेड विद हैदराबाद देन माइसूर देन तंजौर अवध पेशवा भोसले ऑफ बैरार सिंधिया जोधपुर इस तरीके से वन बाय वन सारे इंडियन राजा महाराजा ब्रिटिश इसके अंदर आ गए सब्सिडरी अलायस ओके सो दिस इज सब्सिडरी ट्रीटिंग अभी आज ही अमृत महोत्सव में वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है बट सेलेक्टिव हम यहाँ पे देखेंगे उनमें से एक है डांडी मार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट के सौ साल करीब हो रहे हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती तो डांडी मार्च क्या है ये गांधी जी ने ऐसे मार्च किया था डांडी डांडी इज एन एरिया डांडी कहां पर है टेल 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था बिगेन विद डांडी मार्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी चालू हुआ सिविल डिसोबीडियंस डांडी मार्च के साथ 24 दिन तक गांधी जी ऐसे चले 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक और क्यों चले अपोज करना चाहते थे ब्रिटिशर्स नमक पे भी टैक्स लगाते थे So it was like oppose. Oppose कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसी को टैक्सेंस था, था किलोमीटर का वॉक किया साबरमती आश्रम से डांडी और नवसरी में यहाँ गुजरात में थाउजेंड ऑफ पीपल और आपको ज्वाइन किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजादी का अमृत महोत्सव जैसे स्टार्ट किया है दो हजार इक्कीस सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी से सवाल आएंगे तो ये इस तरीका का जो इनिशिएटिव है ना एक्चुअली दिस इज फॉर सेलिब्रेटिंग अवर ग्लोरियस हिस्ट्री पीपल कल्चर एंड अचीवमेंट और सिलेबस में देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल क्लियरली लिखा हुआ है तो दिस इज वेरी हाई एंडिंग सीरीज तो ये डांडी मार्च है इसका बेसिक्स पता होना चाहिए बाकी इससे और जो सवाल है ना कुछ बेसिक सवाल अपन टेलीग्राम में देख रहे हैं टेलीग्राम के जो आंसर क्वेश्चन हैं वो ईजी टू मॉडरेट लेवल के हैं कुछ और डिफिकल्ट जो होंगे ना वो अपन जब रेगुलर क्विज करेंगे तो उसमें अपन कवर कवर करेंगे आफ्टर सम टाइम ओके सो मीनवाइल ये अच्छे से रिवाइज करना है डांडी मार्च क्या होता है सब्सिडरी स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट पी इज इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट करंट अकाउंट हॉलमार्क बीआईएस करेवा क्या होता है अर्थ का इंटीरियर देन दिस इज ग्रीन हाउस गैस और ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड सर्टेन फैक्ट्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ